हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग इस वक्त एप्टाबाद से निकले हैं और जा रहे हैं हम लोग शिंकियारी, जो कि मानसेहरा से अराउंड 30 टू 40 मिनट की ड्राइव पर है। और वहां का बहुत ही मशहूर कबाब है, निम्मे का कबाब जिसे कहते हैं। हम बफा भी चाहेंगे, जो कि शिंकियारी के बिल्कुल करीब एक दूसरा शहर है, बफा जिसका नाम है। वहाँ का खोया बहुत मशहूर है। आधा रास्ता कम्प्लीट होने के बाद याद आया कि हमारे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, क्योंकि मुजफ़्फ़राबाद लास्ट ट्रिप किए तो सारे पैसे जैसे वहाँ लगा कर आ गए। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले एटीएम ढूंढते हैं और कैश निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं निम्मे का कबाब और बफे का खोया। अच्छा जी, हम शिंकियारी पहुंच गए हैं। तो ये ब्रिज पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, क्योंकि शहर बिल्कुल कंजस्टेड है। मस्जिद है पीछे, मस्जिद के बिल्कुल साथ ये ब्रिज है और इतना प्यारा व्यू है। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो पानी भी काफ़ी ऊपर आया हुआ है। तो इस ब्रिज पर आप गाड़ी खड़ी करेंगे और आगे बाजार की तरफ जाएंगे, निम्मे कबाब की तरफ। और ये सामने निम्मा कबाब, आप देख रहे हैं शाम 4 बजे का टाइम और इस वक्त भी कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको यहाँ पर एक कबाब मिलेगा और एक बार तो ज़रूर आकर आपने खाना है। ये देखें, स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती कबाब खाने आ गए हैं। फैमिली के साथ अगर आप आएँ तो ये नीचे से इसकी सीढ़ियाँ उतरती हैं। बेसिक जगह है, छोटा ये एक इलाका है, इसलिए यहाँ की थोड़ा अरेंजमेंट इस तरह की है। ये फैमिलीज़ के लिए इस तरह के रूम्स बने हुए हैं। भैया जी, हमारा कबाब, भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। 1 किलो हमने ऑर्डर किया कबाब। ये चटनी आ गई, आए स्पेशल चटनी भी आ गई साथ में, खुशबू है। मैं उससे तो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा। ये देखिए कितना गर्म है, आपको धुएं से अंदाजा हो रहा होगा। और ये सच में मेरा फेवरेट कबाब है। हजारे में अगर पर मैंने कबाब खाना है तो सिर्फ निम्मे का कबाब मुझे पसंद। कबाब खाने के बाद खोया खाना बहुत जरूरी है, जो कि करीबी शहर बफा में है। बफे के लिए आप किसी से पूछेंगे तो बजना रोड लेकर आपने आना है। तो रास्ते में मस्जिद एक आती है, वहाँ से मैंने राइट लिया, जो कि हमारी समझे मिस्टेक हो गई है। आपने लेफ़्ट लेने मॉस्क के काई की चौक सा बना होते। अभी ये गलियों में से गुजर के हम बफा शहर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें कितने ही कंजस्टेड है और गाड़ी इस गली में से गुजारना एक। शॉप बंद है तो अभी हम कॉल करते हैं इनको। ये इनका नंबर भी आप देख लें अगर आपको चाहिए हो। इन्होंने शॉप खोली है, कॉल पकड़ के हमने इनको बुलाया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम शिंकियारी से कबाब खा के घूमते घूमते यहाँ आए। शॉप बंद थी, खोया में मिल सकते हैं? वो तो खुद नहीं है दुकान वाले, बॉक्स छोटा होता कि हम ट्राई करें और अपने हम यूट्यूब चैनल है हमारा, हम व्यूअर्स को भी दिखाएँ कि ये सौगात है वफा की, यहाँ पर जब भी आए जरूर ट्राई करना है। आधा किलो है, फ्रेश है, बेस्ट, ठीक। बाकी भी शॉप्स देख लें खोया की। ये देखें ये शॉप है मुनव्वर खान, ये भी उनके कज़न हैं जो मखान का। खोए की प्राइस क्या है? 900 रुपये किलो देते हैं। और ये कितना ही दूध से बनता है, पूरा दिन इसको दूध का प्रोसेस होता है। अभी खोया का ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त, हमने चाय दूध पत्ती ऑर्डर की है, साथ में हम खा रहे हैं ये खोया। तो और कंदील से पूछते हैं कैसा लगा आज का ट्रिप और कबाब और खोया? बहुत अच्छा था। बारिश बहुत ज़्यादा लग गई है, बस वो गलियों से निकल निकल के आए हैं। अभी चाय ऑर्डर की है, गाड़ी में ही बैठ के खा रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है। ओह, असली खोए की ये पहचान है कि आप जितना बड़ा बाइट लें, जितना ज़्यादा खाएंगे, आपको बिल्कुल हैवी नहीं करेगा, बिल्कुल उसमें मीठापन नहीं होगा। बहुत बेसिक सी एक मीठे की तस्वीर है। नहीं तो इतना ज़्यादा खोया खाने ही नहीं होता। हाँ हाँ हाँ,
ऊपर है ये देखें दूध पत्ती। हाँ, हजारा यूनिवर्सिटीज के करीब पर एक अच्छा पॉइंट है। वहीं साथ पर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी उन्होंने बनाया हुआ है, बच्चों को चिड़ियाघर भी आप दिखा सकते हैं। तो ये इस एरियाज की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ।